अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। MLC चुनाव के लिए RJD के उम्मीदवार मुन्नी देवी ने सोमवार को नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित तमाम नेताओं की मौजूदगी में विधानसभा में उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वही नामांकन दाखिल करने के साथ ही वह BJP पर हमलावर हो गई। मुन्नी देवी के दायर हलफनामे के मुताबिक उनके पास अपना मोबाइल तक नहीं है, पर मुन्नी देवी 23 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन है। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार मुन्नी देवी के पास 15 लाख रुपए की अचल और 8 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। साथ ही उन्होंने 6 लाख रुपये का लोन ले रखा है। मुन्नी देवी 150 ग्राम से ज़्यादा सोना और 1 किलो चांदी की मालकिन है। इसके अलावा उनके पास 35,000 रुपये कैश भी मौजूद है। उनके पति के पास 54,793 रुपये की संपत्ति है। वहीं उनके बड़े बेटे के पास 58,400 रुपये की संपत्ति है। RJD के MLC उम्मीदवार मुन्नी देवी ने नामांकन दाखिल करने के बाद विरोधियों पर जमकर हमला बोली। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, मैं मुन्नी देवी, आज विधान परिषद में नामांकन संपन्न हुआ। हम जाति से ही नहीं अपने पेशे से भी धोबी हैं। जिस तरह कपड़े को पटक पटक कर धोते हैं, उसी तरह सांप्रदायिक शक्तियों को सदन में पटक कर धो देंगे। आपको बता दें कि RJD के MLC उम्मीदवारों के ऐलान से पहले मुन्नी देवी को पटना के RJD कार्यालय में बुलाया गया था। इस पर मुन्नी देवी ने बताया कि जब बुलावा आया तो हम डर गए थे, लेकिन राजद सुप्रीमो ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बेरोजगारी के लिए, भूमिहीन के लिए, जो आने वाला समय में हमारे सरकारी जमीन हेक्टर पड़ा हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई है, हमारे भूमिहीन के लिए आवाज़ उठाऊंगा, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए। और जो हमारे लालू प्रसाद जी रैन बसरा बसाने का काम किए थे, उसको उजाड़ने का काम किया, उसको बसाने का काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। मैं सुप्रीमो से, मैं श्रद्धा निष्ठा के साथ मैं उनकी सेवा किए थे, और जनता मेरी